स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का लेक्चर मिसलिनियस एक्सरसाइज 4, मुतफर्रक मशक 4, यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन 1, क्लास 10th मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूं है, कसीरुल इंतखाबी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टेटमेंट कुछ यूं है, दिए गए सवालात के 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए टिक लगाएं। नंबर 1, स्टेटमेंट सुन ले। ममासलत 5x + 4 का होल स्क्वायर बराबर है, इसको खोलें तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर जमा 40x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 20 को 2 टाइम्स 2 गुना लें तो 20 तो 40x और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या कहता है ममासलत, 5x + 4 का स्क्वायर = 25x² + 40x + 16, 5x + 4 का मरबा बराबर 25x की 2 + 40x + 16 की के लिए दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, x की जगह जो भी कीमत दर्ज करेंगे 1 से शुरू हो जाएं और दर्ज करते जाएं, यानी x की जो भी कीमत आपको देंगे दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए है 1 कीमत, बी 2 कीमतों, सी तमाम कीमतों और डी किसी के लिए भी नहीं। तो ये जो तमाम कीमतों है ना, ये करेक्ट आंसर है, यानी एक्स की जगह कोई भी कीमत दर्ज करेंगे तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, इनमें ममासलत है। तो सी ऑप्शन है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया, टिक कर दिया। नंबर 2, तफाउल फंक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स का मतलब है न्यूमिनेटर एक्स की सूरत में, यानी शुमार कुनिंदा नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर मखरज किस्म का कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, जबकि डी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स कसीर रकमियां हैं, यानी पोलिनोमियल, शुमार कुनिंदा भी एक पोलिनोमियल है और नसबनुमा या मखरज भी एक पोलिनोमियल है। एन ऑफ एक्स मतलब न्यूमिरेटर ऑफ अ पोलिनोमियल, डी ऑफ एक्स का मतलब डिनोमिनेटर ऑफ अ पोलिनोमियल। तो ये एक फ्रैक्शन होती है, कसर होती है। नीचे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ममासलत, बी में मसावात, सी में कसर फ्रैक्शन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये एक फ्रैक्शन है, कसर है, इसलिए हम सी को हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 3। प्यारे प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 3 कुछ यूं है, कसर यानी फ्रैक्शन जिसमें शुमार कनिंदा बटे से ऊपर वाली रकम का दर्जा, दर्जा मीन डिग्री पावर, मखरज, मखरज वो पॉलिनोमियल वो रकम होती है जो बटे के नीचे होती है, के दर्जा से ज़्यादा हो। क्या कहता है, शुमार कुनिंदा का दर्जा यानी पावर बड़ी हो और मखरज बटे वाली रकम की पावर छोटी हो, कहलाती है। तो अगर शुमार कुनिंदा की पावर बटे से ऊपर वाली रकम की पावर बड़ी हो जाए और बटे के नीचे वाली रकम की पावर छोटी हो तो कसर गैर वाजिब हो जाती है। ए में लिखा हुआ है वाजिब कसर, बी में गैर वाजिब कसर, सी में मसावात और डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी सुन लें, प्रॉपर फ्रैक्शन वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गैर वाजिब कसर, इक्वेशन सी मसावात और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो शुमार कुनिंदा का दर्जा बड़ा है इसलिए जो कसर है वो गैर वाजिब है। बी में लिखा हुआ गैर वाजिब, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है।
नंबर चार, कसर जिसमें शुमार कनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री से कम हो। जी, अब बटे के ऊपर जो न्यूमिरेटर है उसकी पावर कम और नीचे डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है। चूँकि स्टेटमेंट के मुताबिक शुमार कनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री से कम है, तो इस सूरत में जो कसर होती है वो वाजिब हुआ करती है। तो ए में लिखा हुआ है मसावात, बी में गैर वाजिब कसर, सी में ममासलत और डी में लिखा हुआ है वाजिब कसर, इसलिए डी ही हमारा दुरुस्त जवाब है। आगे है जी नंबर पाँच, दो एक्स जमा एक बटे एक्स जमा एक इंटू एक्स माइनस एक, सिंपल रकम है पहले, तो ये वाजिब कसर है। अब फिर बताना क्या है जी, उसने भी यही दो एक्स जमा एक बटे एक्स जमा एक इंटू एक्स माइनस एक है। ए गैर वाजिब कसर, बी मसावात, सी वाजिब कसर, डी में से कोई नहीं। चूँकि जो शुमार कुनिंदा की डिग्री है न्यूमिरेटर की वो एक है, नीचे मल्टीप्लाई करें तो पावर दो बनती है, इसलिए ये वाजिब कसर है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ वाजिब कसर, इसलिए ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। जी चलें जी आगे एमसीक्यूज़ नंबर छः की तरफ। नंबर छः की स्टेटमेंट अबारत कुछ यूँ है, एक्स जमा तीन का स्क्वेयर बराबर है, जी एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर नाइन, और दो गुना ज़रब तीन छः छः एक्स, यानी स्क्वेयर खोल के लिख दिया गया एक क्या है। तो यकदर ए में है यकदर्जी मसावात, नहीं है। बी में मसावात, सी में है ममासलत, जी स्क्वेयर खोलने से दूसरी तरफ वाली रकम वही है जो स्क्वेयर खोलने से आती है। दूसरा, एक्स की जो भी कीमत दर्ज करें दोनों वाली साइडें बराबर हो जाती हैं, तो अगर इस तरह की कोई मसावात हो तो उसको बोलते हैं ममासलत है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, सी करेक्ट आंसर है, सी को हमने सर्कल कर दिया। आगे नंबर सात, एक्स की थ्री प्लस वन और एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर पावर तीन है और नीचे मल्टीप्लाई करें तो पावर दो बनती है। जी शुमार कनिंदा की पावर डिग्री ज़्यादा है और मखरज की डिग्री कम है, इस तरह की कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। यानी न्यूमिरेटर की में पावर तीन है और डिनोमिनेटर में पावर दो बनती है, गैर वाजिब कसर है। ए में वाजिब कसर लिखा हुआ है, बी में गैर वाजिब कसर, यही दुरुस्त जवाब है। सी ऑप्शन है ममासलत और डी है मुस्तकिल रकम। तो चूंकि शुमार कुनिंदा की डिग्री बड़ी है, नसब नमा या मखरज की डिग्री कम बनती है, दो बनती है, इसलिए ये गैर वाजिब कसर है। तो बी पर हमने सर्कल कर दिया, बी पर निशान लगा दिया है। नंबर एट, एक्स माइनस दो नीचे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू की जुज़वी कसूर सिर्फ कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं तो ये बनेगा नीचे जो पावर है ज़्यादा से, वैसे दो बनती है, दो कॉन्स्टेंट आने हैं लेकिन अलहदा अलहदा, एक्स की पावर वन है ये भी वन है, तो ए ओवर एक्स माइनस वन आएगा प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। ए ओवर एक्स माइनस वन ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है जी, ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, इधर एक्स आ गया, ये उस वक्त होता है जब एक्स का पावर दो आ जाए, तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी तीन, तो चूँकि मैक्सिमम पावर नीचे बटे में दो बनती है, दो कॉन्स्टेंट वाला, हमने दो कॉन्स्टेंट वाले जुज़्वे ज़र्ब भी लेने हैं, ऑप्शन ए में दो कॉन्स्टेंट वाले जुज़्वे ज़र्ब भी लिखे हुए हैं, साथ एक्स भी नहीं है, इसलिए यही ए ही हमारा दुरुस्त आंसर है। स्टूडेंट कहेगा यहाँ भी तो दो लेकिन ए के साथ एक्स मौजूद है। आगे जी एमसीक्यूज़ नंबर नाइन, नंबर नौ भी आठ जैसा ही है लेकिन इसमें नीचे टोटल पावर तीन बन जाती है और एक जो पॉलीनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर भी है, उसको सिंपल किया नहीं जा सकता, इसलिए तीन कांस्टेंट आएंगे और ऊपर एक कांस्टेंट के साथ एक्स भी आएगा, एक्स जमा दो नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो सुन लो क्या बनेगा, ए ओवर एक्स प्लस वन
आगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ए में ये नहीं है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो बी ऑप्शन ही दुरुस्त है। आगे ये ए एक्स प्लस बी नीचे सिंगल पावर है, नहीं, इधर बी एक्स लिख के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो सी नहीं लिखा, तीसरा कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। अब बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ, वो कुछ यूं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन की जुज़वी कसूर बनती हैं। लो जी आप कुछ खास बात आ गई, ऊपर पावर दो है नीचे भी पावर दो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, गैर वाजिब कसर होगी, तो इसकी जुज़वी कसूर बनाने के लिए पहले हमें x की 2+1 को नीचे बटे में जो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है ना, इस पे डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है वो आपको हल करके दिखा देते हैं और फिर इसकी फ्रैक्शंस लिख देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हलशुदा देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर, नीचे क्या है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ही आएगा, नीचे फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड का एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। अब एक्स की टू प्लस वन को हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं एक्स की टू माइनस वन पे, तो एक्स नीचे एक्स की टू प्लस वन अंदर रखा और किस पे कर दिया डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस वन पे, एक पे ही जाएगा, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे साइन चेंज करें माइनस आ गया प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर से हो गया कैंसिल, एक जमा एक आ गया दो। तो अब फ्रैक्शन कुछ इस तरह बनेगी, वन प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे जुज़वी कसरें बनाएंगे तो वन उसी तरह आ जाएगा, प्लस ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। तो इसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो हमारा जो उधर करेक्ट आंसर है वन प्लस ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन ऑप्शन सी है जी। ऑप्शन सी आपको दिखाते हैं और फिर उस पर टिक लगा देते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इस फ्रैक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस वन को नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन पर डिवाइड करके आपको फ्रैक्शंस बना के दिखा दी, कसरें दिखा दी। तो ये सी पे गौर करें, वन प्लस ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन है, यही हमने उधर आंसर निकाला है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ दुरुस्त है। लो जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे एमसीक्यूज तो हुए कंप्लीट। तो लेक्चर क्लोज करने से पहले एक मैसेज सुन लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर से जुड़े रहें, और वो व्यूअर्स जो नए हैं या पुराने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें और लिंक अपने क्लास फेलोज दोस्तों और जाने वाले स्टूडेंट्स को भी भेजा करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। जी स्टूडेंट्स, आपने मैसेज सुना, प्लीज़ इसके मुताबिक फिर अमल करें। मुझे मोहम्मद अब्बास को दें इजाज़त, आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।